हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशनल हब। दोस्तों, 50 ऐसे जॉब कंसल्टेंसीज के बारे में आज बात करूंगा जो बेस्ट है, जो जॉब प्रोवाइड करती है जीसीसी के अंदर और यूरोप कंट्री के अंदर। यूरोप कंट्री के अंदर भी जॉब मिलेगा आपको और जीसीसी के। ऐसे 50-50 बेस्ट क्वालिटी के जो मुंबई में स्थित है स्पेशली, इसके ब्रांचेज दूसरे स्टेट में हो सकते हैं, जैसे दिल्ली, चेन्नई दूसरे स्टेट में हो सकते हैं, लेकिन स्पेशली मुंबई में है। 50 ऐसे जॉब कंसल्टेंसीज मैं बताऊंगा जो आपको बहुत मदद मिलेगा आगे चल के जॉब को लेने के लिए। आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। हमेशा मेरे कमेंट बॉक्स में इस तरह के सवाल आते थे कि सर मेरा ये काम है, मुझे मेरे लिए कोई जॉब कंसल्टेंसीज, कोई ऑफिस बता दीजिए जो बेस्ट क्वालिटी का हो, चीटिंग नहीं करती हो और मुझे जॉब प्रोवाइड कर दे, और जो कम सस्ता, जो उसका ऑफिस चार्जेज है कम रेट का हो, ऐसा। तो मैं आपको बता दूं, ये जो 50-50 जॉब प्लेसमेंट सर्विस को मैं बताऊंगा आपको, इसे बस आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, बस इतना ही कीजिए, कभी लाइफ में दिक्कत नहीं आएगी। ये बेस्ट क्वालिटी का, सभी 20 साल 25 साल 30 साल से ऊपर की ऑफिसेज को मैं बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि मुंबई के अंदर में जितनी भी ऑफिसेज है, मैंने कोशिश किया है सबको ले लूं और आपको बताऊं। बहुत मेहनत लगा है, बहुत इसको शॉर्टलिस्ट करना पड़ता है। ऐसे देखा जाए तो ऑफिस बहुत सारे हैं मुंबई में के अंदर में, बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से कुछ मैंने फ़िल्टर किया है जिसे मैं जानता हूँ अच्छे। हो सकता है कि 2-4-5 ऑफिस, 10 ऑफिस छूट गया हो, दिमाग में नहीं आया हो, लेकिन जो मैं ये बता रहा हूँ, ये मैक्सिमम ऐसी ऑफिसेज हैं मुंबई के अंदर में जो आपका काम हो जाएगा। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, पूछने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी बता दूँ कि कोई एक काम के लिए पर्टिकुलर कोई ऑफिस नहीं होती है। लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि सर मैं इंजीनियर हूँ, मेरा ये काम है, मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ, मैं वेल्डर हूँ, मैं ड्राइवर हूँ, मेरे लिए ड्राइवर के लिए कोई एक जॉब कंसल्टेंसीज बता दीजिए। ड्राइवर के लिए कोई स्पेशली जॉब प्लेसमेंट सर्विस नहीं होती है, मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ। प्लेसमेंट सर्विस होती है, उसमें मल्टीपल जॉब्स आते हैं, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आती है उसके अंदर में, मल्टीपल वैकेंसीज आती है। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, अगर आपको लगता है कि आपको इस तरह की वीडियो की ज़रूरत है, जॉब प्लेसमेंट सर्विस बेस्ट आप सर्च कर रहे हैं गूगल पे, यूट्यूब पे, तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। आइए शुरू करते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, जल्दी से शुरू करते हैं। दोस्तों, 50 जॉब प्लेसमेंट सर्विस को मैं बताने के लिए जा रहा हूं, और ये नंबरिंग जो है ना, एक नंबर दो नंबर, इसको आप इससे जज नहीं करेंगे, बस ये नंबर दिया हुआ है, ये नंबर दिया हुआ है, एक नंबर दो नंबर, ये कोई टॉप 10 या इस तरह का जो ऑफिसेज होती है उसमें मैंने इसको कैटेगराइज नहीं किया है, बस एक नंबर दो नंबर दिया है। एक नंबर पे मैंने सबसे पहले रखा है एशिया पावर को। ये अपने आप में कमाल के ऑफिस, और ये बहुत ही फॉर्म में रहती है, और ये आज ही नहीं, हमेशा से ही, जब भी आप असाइनमेंट अब्रॉड उठा के देखेंगे, एशिया पावर अपने आप में बेस्ट ऑफिस मानी जाती है। इसके अंदर ऑफिस चार्जेस कम होती है, और हाँ, ये मैं जो भी ऑफिसेज बताने के लिए जा रहा हूँ, ये आपकी ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ओके, दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड वीडियो, ये आपकी अपनी ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं हेल्प करता हूँ लोगों को, मैं किसी ऑफिस से पैसा लेकर के मैं नहीं बताने के लिए जा रहा हूँ या नहीं बताता हूँ, ये आपके हेल्प के तौर पे। लोग जो फ्रेशर लोग हैं, इनोसेंट हैं, जो बाहर से आते हैं, वो कंफ्यूज रहते हैं कि मैं किस ऑफिस में जाऊँ, क्या करूँ नहीं करूँ, तो ये चीज़ है। एशिया पावर को आप देख लीजिए, ये बेस्ट ऑफिस है और इसके चार्जेस भी कम होती है। एम जिग्गी वाला एक बहुत रेपुटेड ऑफिस है, और इसके अंदर बहुत वैकेंसी जाती है, और मैं एड्रेस नहीं दिखा पाऊँगा सबको, करूँगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए आप जो मैं ऑफिस का नाम बता रहा हूँ उसे आप गूगल पर सर्च करेंगे, जैसे एशिया पावर, एम जिग्गी वाला, जेम मेहता, आप गूगल पर सर्च करेंगे एड्रेस इन मुंबई, ऐसा करके जेम मेहता एड्रेस इन मुंबई, एशिया पावर एड्रेस इन मुंबई, या एम जिग्गी वाला एड्रेस इन मुंबई, तो आपको सब कुछ आ जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, उसका मैप, हर चीज़ गूगल मैप भी दिखा देगा, तो वहाँ से आप सर्च कर लीजिए। मैं सिर्फ आपको नाम बता देता हूँ जल्दी से। तो मैंने एक नंबर पर बताया एशिया पावर, दो नंबर पे एम जिग्गी वाला, तीन नंबर पे जेम मेहता, और उसके बाद चार नंबर पे साउंड लाइन। साउंड लाइन भी बहुत अच्छी ऑफिस है, बहुत वैकेंसीज आती है, और कभी किसी ऑफिस में ऊंच नीच हो जाती है, थोड़ा डिले हो जाता है, थोड़ा सा लेट हो जाता है, कभी कभी गेम फेल हो जाता है। इट मीन्स कि इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये ऑफिस बेकार है, ये ऑफिस ख़राब है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी ऑफिस में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, कभी कभी डिले हो जाता है, रिस्क हर जगह है, 10% आपको रिस्क उठाना पड़ेगा। लेकिन मैं जो ये ऑफिस बता रहा हूँ, इसमें से कोई भी ऑफिस ऐसा नहीं है कि जो आपको भेज दे इंजीनियर बोल के और बकरी चराने में लगा दे, वहाँ दूसरा काम में क्लीनिंग में लगा दे, ऐसा नहीं हो सकता है। पैसा आपका खा जाए, बोले कुछ करे कुछ, ऐसा नहीं है।
तो उसके बाद साउंड लाइन मैंने बताया, एजी इंटरप्राइजेस, उसके बाद बेटा कंसल्टेंसीज। बेटा कंसल्टेंसीज़ की बहुत वैकेंसीज आ रही है फॉर्म में। ये भी ऑफिस बहुत ही पुरानी है, तकरीबन 2005 से, और 2022 चल रहा है। आप जोड़ लीजिए कितना पुराना ये ऑफिस है, बेटा कंसल्टेंसीज। जेरी वर्गीस, अब जेरी वर्गीस के बारे में क्या कहना है। जेरी वर्गीस अपने आप में एक टॉप क्लास की ऑफिस है, एक नंबर पर आती है। ज़्यादा करके इसमें फ्री रिक्रूटमेंट आता है, फ्री, और सैलरी अच्छी होती है। ऑफिस चार्जेस तकरीबन ना के बराबर होता है। उसके बाद मल्टी लिंक्स, ये भी 1993 से ये ऑफिस है मुंबई के अंदर में। मल्टी लिंक्स अच्छी ऑफिस है। और उसके बाद से प्रेरणा कंसल्टेंसी, मैं जो भी वैकेंसीज भेजता हूँ उसमें प्रेरणा का हमेशा 4, 5, 10 वैकेंसीज रहती है। अगर बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है ना आपको, नहीं सब कर पा रहे, तो मेरे टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए। ये सारे वैकेंसीज उठा करके मैं टेलीग्राम पे सैटरडे को और वेडनेसडे को, शनिवार को और बुधवार को मैं फॉरवर्ड करता हूँ। तो अगर आप नहीं भी लिखते हैं, वहाँ भी चले जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। टेलीग्राम पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, किसी से पैसा लेकर के मैं उल्टी सीधी एडवर्टाइजमेंट नहीं करता हूँ, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो प्रेरणा कंसल्टेंसीज हो गया। अंजुम ट्रेवल्स, ये भी 2008 से है। अंजुम ट्रेवल्स अच्छा है, पुराना है और अच्छी ऑफिस है। इंटरनेशनल ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, इंटरनेशनल ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, ये भी एक ऑफिस है, 1999 से, 1999 से है। उसके बाद देख लेते हैं डायनेमिक्स स्टाफिंग सर्विस। उसके बाद से पेंटास्क्राइब इंटरनेशनल, ये भी एक अच्छी ऑफिस है। पेंटास्क्राइब इंटरनेशनल अच्छी ऑफिस है, इसे भी आप कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद से एनएफ इंटरप्राइजेज, ये भी अच्छी ऑफिस है। ट्रेड्समैन भी ऑफिस है। ई ट्रस्ट भी बहुत पुरानी ऑफिस है और बहुत अच्छी ऑफिस है, ठीक है ना। अम्बे इंटरनेशनल, इसके बारे में क्या जानता है, शायद अगर आप इस लाइन में हो, स्टेट में हो, तो अम्बे इंटरनेशनल को कौन नहीं जानता है। अम्बे इंटरनेशनल किसी नाम की मोहताज नहीं है, पुरानी ऑफिस है, काम कराती है। श्रीनाथ एसोसिएट्स, ये भी एक ऑफिस है, अच्छी ऑफिस है, यहाँ से भी आप काम करा सकते हैं। लिंक इंटरनेशनल प्लेसमेंट सर्विस, ये भी एक अच्छी ऑफिस है, यहाँ से करा सकते हैं। एप्पल ट्रेवल्स भी पुरानी ऑफिस है, मैंने इसको तकरीबन यूँ बोल सकते हैं कि 15 साल से तो मैं जान रहा हूँ। एप्पल काम कराती है मार्केट में, वैकेंसी जिसमें थोड़ी कम आती है लेकिन काम कराती है, ठीक है। उसके बाद अम्बे कंसल्टेंसी, देखो कंफ्यूज नहीं होना, ये एक अम्बे इंटरनेशनल मैंने बताया और ये है अम्बे कंसल्टेंसी सर्विस, दोनों अलग चीज़ है, इसको ध्यान रखना, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। गुडविल ग्लोबल कंसल्टेंसी ये भी है। सबकी एड्रेस आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। गूगल पे आप सर्च कीजिए इस ऑफिस का नाम और आगे लिख दीजिए एड्रेस इन मुंबई, इंटर मारिए, सब कुछ आपको दिख जाएगा। क्योंकि मैं एड्रेस और एक एक हर चीज़ में रोड नंबर, बिल्डिंग नंबर बताऊंगा तो नहीं हो पाएगा, बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए मैं अपने कंफर्टेबल जोन में काम करता हूं। मैं इंटरनेशनल ओवरसीज, ठीक है ना, सर्विस, इंटरनेशनल ओवरसीज सर्विस, ये हो गया। इंटरनेशनल ट्रेड लिंक्स ज़्यादा करके यहाँ के ऑफिस में इंटरनेशनल आप देखते रहेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल ये सब काम करती है, तो लोग अपने ऑफिस के नाम पे इंटरनेशनल लगा लेते, इंटरनेशनल ट्रेड लिंक्स। अब आ जाते हैं अल वकील इंटरनेशनल, ये भी इंटरनेशनल भाई साहब है, ये भी अच्छी ऑफिस है, पुरानी ऑफिस है। हमडन कंसल्टेंट्स ये भी है ऑफिस है, इसकी आजकल बहुत मैं देख रहा हूँ इसके पेपर में वैकेंसीज, उतनी पुरानी तो नहीं है लेकिन आप देख लेना, लेकिन ठीक है। एक बात बता दूं मैं आपको, जितने भी ऑफिसेज मैं बता रहा हूं, सभी ऑफिस 1000+3 और 1000+5 ही हैं। 1000+5 से नीचे मैं किसी भी ऑफिस को कंसीडर करता ही नहीं हूं, मैं उसे ऑफिस नहीं मानता हूं, एक वैलिड, एक जेन्युइन ऑफिस। तो 1000+3, 1000+5 क्या होता है, मैंने इस पर वीडियो बना रखा है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ओके दोस्तों, हमदन कंसल्टेंट्स के बाद अल हरमैन मैनेजमेंट सर्विस है, ये भी अच्छी ऑफिस है, 1000+ है। UN इंटरनेशनल, ये भी 1000+5 है। और उसके बाद HR इंटरनेशनल, HR इसका दिल्ली में भी ब्रांच है, यहाँ पर भी, आप मुंबई में भी है, मैं मुंबई वाले की बात कर रहा हूँ, जितने भी ऑफिसेज हैं सभी मुंबई में हैं। उसके बाद से चिनार ट्रेवल्स, ठीक है ना, एंड ट्रेड लिंक्स चिनार, ये बहुत पुरानी ऑफिस है, अच्छी ऑफिस है। एफ जिग्गी वाला तो आप सुने होंगे, उसी का भाई है समझ लीजिए एक तरह से, FGG वाला, ये भी 2015 में नई ऑफिस है, कंसीडर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, लेकिन ये अच्छी ऑफिस है, ये सब फ्रॉड नहीं करती है भाई, आपको पैसा लेकर चली गई, पैसा लेकर भाग गया, एजेंट जो रोड एजेंट होते हैं उनसे तो लाख गुना अच्छा है भाई, FGG वाला, ठीक है ना। रेनू ट्रेवल्स, ये भी ठीक है ऑफिस। मैथो इंटरनेशनल, ये भाई साहब का भी ऑफिस बहुत अच्छा है। अल समीत इंटरनेशनल, ये बहुत पुरानी है,
मैंने जब से होस्ट संभाला मैं इसे जान रहा हूँ, अलसमित इंटरनेशनल। उसके बाद से है शैला कंसल्टेंट्स, शैला कंसल्टेंट्स, ये भी एक बहुत पुरानी ऑफिस है, अच्छी ऑफिस है। बिस्मिल्ला इंटरप्राइजेज, बहुत आजकल इसमें वैकेंसीज आ रही है, 2011 से आई थिंक है ये ऑफिस। योर्क रिक्रूटमेंट्स, योर्क रिक्रूटमेंट्स, YORK, योर्क रिक्रूटमेंट्स। अलकरीमी ईस्ट, एक अलकरीम भी है। प्रोटेक्ट इंजीनियरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये एक बहुत ही अच्छी ऑफिस है, इसके बारे में क्या बताना। रॉयल कंसल्टेंट्स भी अच्छी ऑफिस है, पुरानी ऑफिस है। और उसके बाद से डैड ट्रेवल्स, HR ग्लोबल कंसल्टेंसीज, ब्राइट इंटरनेशनल, इंडोमान से भी मैं गया हूँ सऊदी अरब, एक बार मैं इंडोमान से मैं गया था, बहुत ही अच्छी ऑफिस है, कम रेट लगता है, जेन्युइन ऑफिस है, जो बोलती है वो करती है, ठीक है। उसके बाद SMAX ले लीजिए, और उसके बाद से पामा इंटरनेशनल भी अच्छी ऑफिस है। शहीद इंटरप्राइजेस, ये भी पुरानी ऑफिस है, तकरीबन 20 साल से ऊपर हो गया इस ऑफिस का। रिलायंस मेन पावर सर्विस, ये 50 ऑफिस मैंने बता दिया आपको, जल्दी जल्दी बताया, लेकिन आप जल्दी जल्दी नहीं देखिए, जहाँ समझ में नहीं आ रहा है वीडियो को पॉज कीजिए, पीछे कीजिए, उस नाम को लिखिए, गूगल पर सर्च कीजिए, एड्रेस निकालिए। और मैं आपको बता दूं, एक लिस्ट बनाकर अपने आप कहीं नोट कर दीजिए, किसी नोटबुक में या मोबाइल में ही नोट करके रखिए, ये 50 जॉब कंसल्टेंसी, जब भी कोई एजेंट या कोई ब्रोकर या पेपर में आप कहीं कोई फेसबुक पे कहीं कुछ देख रहे हैं कि इस ऑफिस में ये वैकेंसीज है, तो बिल्कुल ये लिस्ट आपके पास होना चाहिए। अगर इसमें से कोई भी वो ऑफिस मैच कर रहा है तो बिल्कुल बिंदास चले जाइए, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रहे कि ये आपकी ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं हेल्प के तौर पे करता हूँ, ये किसी तरह का स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। और बहुत दिनों से ये कमेंट्स आ रहे थे मेरे कमेंट बॉक्स में कि सर ऑफिस का नाम बताइए, किस ऑफिस से काम कराऊँ, तो आप एक ऑफिस का नाम पूछ रहे थे, मैंने 50 ऑफिसेज के नाम मैंने गिना दिए, बता दिए आपको। अब आप इसको कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, बहुत ही काम की चैनल है।